अब वाकई में धर्म संकट तो है, वर्ल्ड कप के लिहाज से आप टीम खिलाएं, खिलाड़ियों को मौका दें या फिर इस सीरीज को जीतने पर तवज्जो दें। धर्मशाला खूबसूरत मैदान है, यहाँ पर आईपीएल के मैच तो लगातार होते हैं, एक वनडे मैच भी हुआ है, टीमें आज पहुंची। वहाँ पर एक ही दिक्कत है कि होटल नहीं है, फ्लाइट्स की दिक्कत होती है, लेकिन जन्नत है। ये देखें ये मैदान किस तरह से तैयार किया गया, और जो जो वहाँ पर खेलता है बड़ी तारीफ करता है। कंडीशंस भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि विकेट खराब है। देखिए कितना खूबसूरत मैदान है ये, और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ये मौका है क्योंकि ये दूसरा वनडे मैच वहां पर खेला जा रहा है। निश्चित तौर पर धर्मशाला एक बहुत खूबसूरत वेन्यू है जहां पर खिलाड़ियों से लेकर दर्शक तक मैच देखना चाहते हैं, और मुझे पूर्ण आशा है इस बार भी जब 17 अक्टूबर को मैच होगा तो स्टेडियम खचाखच भरा होगा। और अनुराग खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, रणजी ट्रॉफी का मैच भी खेले हैं और जूनियर क्रिकेट भी खेले हैं, तो वो जानते हैं कि कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, विकेट कैसा होना चाहिए, खास तौर से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड का कुछ फर्क पड़ता है गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को, फील्डर्स को, क्योंकि ये पहाड़ों में है, हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग भी आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। देखिए फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि और देखिए एक तो एक ग्राउंड बड़ा सुंदर है, दूसरा जो है ना डिफरेंट कंडीशन है एकदम मजा, जैसे हम दिल्ली से खेल के गए हैं धर्मशाला में, बिल्कुल डिफरेंट है। कोची दिल्ली धर्मशाला, हाँ कोची दिल्ली धर्मशाला, फिर कलकत्ता, तो ये जो है ना ये यहाँ पे कंडीशन इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गेंद करता रहेगा, और यहाँ पे मेरे विचार में बैट्समैनों का ज्यादा टेस्ट है, जैसे इंग्लैंड में होता है ना टेस्ट, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल धर्मशाला में हो सकता है।